मुंबई जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारे सपने लेकर आते हैं। बहुत सारे लोगों के सपने पूरे भी हो जाते हैं, पर एक सपना जो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाता है वो है घर। मतलब मुंबई जैसे बड़े से शहर में अपना एक घर खरीदने का, और उसकी सबसे बड़ी वजह भी है, वो है महंगाई। वही कहा जाए तो पूरी मुंबई में एक कंपनी ऐसी भी है जिसके पास 3400 एकड़ जमीन है। वैसे कहा जाए तो 100% में से 99 तो उसी के पास है। आखिर वो कंपनी कौन सी है, ये तो आप सबको शायद पता ही चल चुका होगा। अगर नहीं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विवेक वैली पर। हाँ, अगर अभी भी आपको कंपनी नहीं पता चली हो तो कोई बात नहीं, वीडियो में देख के जान लीजिए, और जिसे पता चला है वो कमेंट में फटाफट से हमें बता दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो उस कंपनी का नाम है गोदरेज। गोदरेज कंपनी से जुड़ा इतिहास आज हम इस वीडियो में जानेंगे। गोदरेज एक ऐसा नाम है जिसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपके घर में जरूर ही मिल जाएगा। इसका कारण ये है कि मेड इन इंग्लैंड की किसी भी वस्तु को बेचना, मतलब सेल्स करना, बहुत ही आसान था उस समय पे। गोदरेज ने घरों की सुरक्षा में काम करने वाले प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। गोदरेज कंपनी की कहानी शुरू होती है 1897 में, जब दो भाई मिलकर अदृश गोदरेज और पीयूषा गोदरेज ने मिलकर एक कंपनी को खड़ा किया। 1922 में बहुत सारे फेमस लोगों ने गोदरेज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 1897 में एस्टेब्लिश होने के बाद गोदरेज ने अपना खुद का सोप प्रेजेंट किया, जो कि जानवरों के तेलों से फ्री था। गोदरेज ने 1923 में लॉक्स, मतलब ताला चाबी सोप के बाद अपना खुद का फर्नीचर लॉन्च किया, स्टील के कबर्ड्स। 1952 में भारतीय आज़ादी के दिन गोदरेज ने सिंथॉल को लॉन्च किया, जो कि भारत में दूसरे सबसे बड़े सोप निर्माता है। 1958 में गोदरेज ने रेफ्रिजरेटर को लॉन्च किया था। ऐसे ही गोदरेज ने कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। गोदरेज कंपनी की तरक्की का कारण से वो बिजनेस नहीं था, बल्कि उसके एम्प्लॉयज और वो लॉयल कस्टमर्स भी थे। गोदरेज कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए घर, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का मंदिर मतलब स्कूल, वहीं उनके हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ ना हो इसलिए हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए हैं, जो सिर्फ उनके एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं बाकी सबके लिए भी है, पर स्पेशली एम्प्लॉयज़ के लिए है। कहा जाता है वो गोदरेज की हर एक प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बनाया जाता है, जो कि उनमें कोई डिफेक्ट ना निकले। वैसे तो देखा जाए तो गोदरेज का सारे प्रोडक्ट्स परफेक्ट होते हैं, उनमें कोई भी खोट नहीं होती है, और वहीं उनके लॉयल कस्टमर्स जो उनके ही प्रोडक्ट्स को खरीदना ज़्यादा प्रेफरेबल समझते हैं। तो ये थी कहानी गोदरेज के बारे में, एक ऐसी कंपनी जिसके पास शायद आधे से भी क्या सबसे ज़्यादा मुंबई की ज़मीन है। तो ये थी उनके सफलता की कहानी। आपको ये कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं।